भाई बुरा मत मानना, तुम्हारे राम जी बड़े सीधे साधे, बहुत ज्यादा सीधे, हाँ या ना? इतने सीधे कि कुछ पूछो ही मत, भारी सीधे। इन्होंने पूरे जीवन भर एक ही काम किया, वो धर्म की रक्षा। कभी झूठ नहीं बोला, और इसके लिए इनको जो कष्ट सहना पड़ा वो सहा। एक पत्नी रखी, दूसरी से कोई मतलब नहीं। एक आई थी पूरे जीवन में, एक ही लौट के आई थी, क्या नाम था उसका? अरे थी ना वो एक, अरे जिसने भगवान जी राम जी को कहा था कैन यू मैरी मी प्लीज। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि विचारे, ताते अब लगे रही कुमारी, मन माना कछ तुम ही निहारी, मन माना कछ तुम निहारे। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, कैन यू मैरी मी प्लीज। राम जी बोले आई एम सॉरी, आई एम ऑलरेडी मैरिड, शी इज माई वाइफ, सो वॉट, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी फॉर योर सेकेंड योर वाइफ। राजाओं की तो बहुत होती हैं, और राम जी की तो पिताजी ने दो तीन विवाह किए हैं, आप भी कर लो। राम जी बोले आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस, नो प्रॉब्लम। नहीं हमें अब एक आई वाऊ ते नहीं कर दी। अब कन्हैया बोले ये काम ठीक नहीं, ना ही करने वाला ठीक नहीं। और हमारे कृष्ण जी की कथा आगे सुनिए आप, जो भी आया मना किया ही नहीं। आओ किस लिए आए हो? बोले जी आपसे शादी करने, आओ ना हम शादी करते। जो भी गया सबसे शादी कर डाली हमारे कन्हैया ने सबसे। 16,108 तो प्रमुख पटरानी है, फिर इतनी गोपियां, फिर इतने प्रेमी, फिर इतने लोग, सबकी भावना। आज भी लोग राम जी को पति के रूप में नहीं मानते, लेकिन कितने ऐसे प्रेमी हैं जो आज भी कृष्ण को अपने पति के रूप में भजते हैं, और आज भी कृष्ण को प्यार करते हैं पति के रूप में। बहुत भक्त हैं, बहुत ज्यादा भक्त हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं तू जिस रूप में पाए भजेगा मैं मिल जाऊंगा। राम जी कहते हैं भाई बेटा बना ले, पिता बना ले, स्वामी बना ले, सखा बना ले, पर भाई एक बात मत बनाइए, वो नहीं कर सके पूरी, वो तो सीता ही रहेगी बस। भगवान कृष्ण कहते तू कुछ भी बना ले, तू पति बनाना चाहता है तो वो भी बना ले। राम जी ने नहीं बनने, पर राम जी नहीं बनेगा पति तो मैं बन जाऊंगा, मुझे बना ले। और दुनिया में कृष्ण को पति मानने वालों की संख्या कम नहीं है आज भी, आज भी बहुत बड़ी संख्या है। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो रूप में तू मुझे भजेगा मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा, बस याद कर। कृष्ण के चरित्र सुनने से मन को शांति प्राप्त होती है, अपार शांति मिलती है। इसलिए हे वेदव्यास जी आपको चाहिए कि आप कृष्ण के चरित्रों को लिखें। मैं आपको पूर्व जन्म सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, वहाँ पर साधु महात्मा आया करते थे। एक बार कुछ साधु महात्मा आए, और वो साधु महात्मा सिर्फ भगवान का बहुत भजन करते थे। सुखदेव जी महाराज के विरह में जब मन व्यथित था तो नारद जी महाराज ने उन्हें चतुर्श्लोक की भागवत सुनाई और कहा कि तुम इस भागवत का रचना करो जिस भागवत में श्री कृष्ण की चर्चा हो। देवर्षि नारद कहते हैं मैंने पूर्व जन्म में संतों का संग किया जिसकी वजह से दासी पुत्र को भी नारद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक सच है, जीवन में जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक बेड़ा पार नहीं होगा। सत्संग पापियों से छूट जाता है और सत्संग पुण्यात्मा पकड़ लेते हैं। पुण्यात्मा अपने जीवन में से सत्संग को जाने नहीं देते। बोलो राधे राधे। कभी नहीं जाने देते हैं, कभी नहीं। पुण्यात्मा सत्संग को ले आते हैं, बैठ जाते हैं।
हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा कितने दयालु हो गए, वो कहते हैं एक घड़ी आधी में पुनिया दे, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। हमारे जीवन में कुछ भी भाग अगर हमें सत्संग का मिल जाए, 24 मिनट नहीं तो 12 मिनट, 12 मिनट नहीं तो 6 मिनट, हरे कोटि अपराध, तेरे जीवन के सारे पाप क्षय हो जाएंगे, तू पुण्यात्मा बन जाएगा। कब? जब तेरे जीवन में सत्संग आ जाएगा। और भागवत जैसा सत्संग तो कोई नहीं हो सकता, भागवत तो स्वयं ही कृष्ण है। आप इस समय एक ग्रंथ की शरण में नहीं अपितु साक्षात परब्रह्म की शरण में विराजमान है, श्री कृष्ण की शरण में ही आप इस समय बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी महाराज ने उनको कथा श्रवण करा, नारद जी ने उनको चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई, व्यास जी महाराज ने उस भागवत को और विस्तार दिया, 18,000 श्लोकों की रचना की। सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे थे तो वहां पर उन्होंने कुछ श्लोक सुने, मन मोहित हो गया, व्यास जी महाराज के पास आए, पूरा भागवत का अध्ययन किया, लेकिन अंत में व्यास जी महाराज ने कहा कि आप मिथिला चले जाओ और मिथिला में जाकर जनक से ज्ञान उपदेश कराओ, क्योंकि यहां मिथिला में बैठे हैं तो ध्यान से सुनेंगे, आप ही की जगह की, आप ही के इस स्थान की कथा है। परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज ज्ञान अर्जित करने के लिए जनक जी महाराज के पास आए। जैसे ही द्वारपालों ने कहा कि सुखदेव जी आए हैं व्यास जी के पुत्र, तो जनक जी ने कहा उनको बाहर खड़ा करो, मैं आता हूं। सुखदेव जी 16 साल के भगवान के भक्त हैं, संत हैं, जन्म से ही घर छोड़ दिया, माया छोड़ दी, त्याग इतना बड़ा कोई कर नहीं पाया आज तक, जन्म से ही कोई त्याग कर दे ऐसा कोई हुआ नहीं, लेकिन जनक जी कहते हैं उनको कहो कि वो बाहर खड़े रहे। वो खड़े हो गए, कई दिन निकल गए, सुखदेव जी उसी दरवाजे पर खड़े रहे और एक भी बार उन्होंने द्वारपाल से नहीं कहा कि महाराज को जाके कहो कि मैं खड़ा हूं, एक भी बार। द्वारपालों से कुछ दिन बाद कहा महाराज ने, जाके कहो सुखदेव जी से कि वो वन में बैठे, तेरा बगीचा जो है वहां बैठे, मैं कुछ समय बाद वहां के मिलता हूं। बगीचे में भेज दिया और बगीचे में भेजा तो वहां कई दिन निकल गए, जनक जी महाराज वहां भी नहीं पहुंचे। लेकिन जितने मुस्कुरा रहे थे उस वक्त जब पहले आए थे, उतने अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, मन में कोई क्षोभ नहीं, कोई भी नहीं। कुछ समय बाद फिर जनक जी ने कहा जाओ उनको हमारे महलों में ले आओ, हम महल में मिलेंगे। सुखदेव जी को महल में रखा और महल में बहुत सुंदर सुंदर दासियां थी, बहुत सुंदर सुंदर दासियां थी, बहुत ज्यादा, और वो सब सेवा में लगी हुई थी, भोजन की सेवा में, सैन की सेवा में, इत्यादि सब सेवाओं में। लेकिन सुखदेव जी ने नजर उठा के भी नहीं देखा उनको, नजरें उठा के नहीं देखा। तब जनक जी महाराज मिले, जनक जी आए तो उतने ही ऐसे ही मुस्कुरा रहे सुखदेव जी महाराज जैसे आते समय मुस्कुरा रहे थे। जनक जी कहने लगे वाह मेरे प्यारे, इसको कहते हैं त्याग, इसको कहते हैं भगवान के प्रति समर्पण। इतना भक्त, इतना त्याग होने के बाद अगर किसी को इंतजार करवा दिया जाए तो गुस्से से लाल पीला हो जाएगा, होगा कि नहीं? आप किसी से मिलने जाओ और वो आपको 10-5 दिन बाहर खड़ा कर दे, नहीं अरे भाई कह दे आज नहीं मिलेंगे तो उस दिन आ जाएंगे, तब आ जाएंगे, नहीं ना? अगर खड़ा ही रखे और मिले ना तो गुस्सा आई महाराज, और गुस्सा आई तब फिर नहीं आई तुम्हारे दरबार में महाराज।
शायद तेरा तुम होगा बड़ा आदमी अपने घर का, लेकिन ऐसा नहीं। जो त्यागी पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो सबसे पहला कार्य क्या करते हैं जानते हो? वो अपने इस क्रोध का दमन करते हैं। इंसान क्रोध के वशीभूत होकर वो कर्म कर जाता है जो उसे कभी सम्मान से फिर जीने नहीं देता। इसलिए क्रोध को कंट्रोल में करना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज जनक, महाराज पहले तो आपकी क्रोध की परीक्षा थी, फिर आपके धैर्य की परीक्षा थी, और तीसरे जो ये दासियां मैंने आपकी सेवा में छोड़ी हैं, ये आपकी इच्छाओं की परीक्षा थी, और इन्हीं तीन परीक्षाओं के लिए आपके पिताजी ने आपको मेरे पास भेजा। और आप अपने पिताजी से जाके कहना कि आप मेरी परीक्षा में सफल हुए। वापस आए पिताजी, ऐसा कहा उन्होंने, तब कहने लगे अब तुम जग का कल्याण कर सकते हो, और दुनिया का कल्याण वही कर सकता है जिसे क्रोध ना आता हो या कम आता हो, या फिर जिसे अपने सम्मान की कोई इच्छा ना हो, जिसे अपना सम्मान पाने की भूख ना हो, और जो क्रोध को कंट्रोल में रखता हो, जो वासनाओं से परे उठा हो, वो संसार का भला अवश्य कर सकता है। बोलो राधे राधे जोर से। तो सुखदेव जी महाराज की ये कथा जो कि आपकी मिथिला से जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने आपको सुनाई।